वैसे उसका ऑफकोर्स क्रेडिट जाना चाहिए आमिर भाई, इरफान, इमरान और मुफ्ती साहब को, जो ये टूर उतने बखूबी तरीके से स्मूथ ऑपरेशनली चला रहे हैं। जजाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में नंबर वन इनका टूर बनाई है। दूसरी बार मी भाई के साथ एक्सपे आया हूँ, पहले 2022 में आया था और इस बार 2024 में गया अपनी मम्मी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, मी भाई जब होते हैं तो हर परेशानी में भी ये लोग इतनी फैसिलिटी अरेंज कर देते हैं कि इंसान जो है कमी निकाल ही नहीं सकता। हमारे रियाज भाई हैं यूएस से और बहुत ही माशाल्लाह मिलनसार और बहुत ही अखलाक वाले हैं, इनसे मिलकर सब साथी बहुत खुश होते हैं। रियाज भाई, आप भी अपने बारे में बताइए, आपकी ये जर्नी कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप रही है हमारी। आमिर भाई के साथ मैं एक साल से टच में था, उन्होंने सारे प्रोसेस में इतनी आसानी से पूरी प्रोसेस करी है, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि ये प्रोसेस कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। हज के लिए क्या और इनकी जो सर्विस थी, जो मैंने कल देखा, कल मेरी जब इमरजेंसी आई माँ की, तब उन्होंने जब इमरजेंसी सर्विस दिया मेरे को, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अम्मी के लिए जहाँ तक सहूलतें करी जा सकती थी, यहाँ तक कि मीना में हमको एक बेड की ज़रूरत थी जहाँ पे मुमकिन नहीं था, उसके लिए इरफान भाई खास तौर पर मीना में जाके बेड की परमिशन लेके क्या डायमेंशन का होना चाहिए वो सारी फैसिलिटीज के बारे में जानकर इन्फॉर्मेशन दी, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब एक हाजी किसी सहीकों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, इस वक्त हम 2024 के सफर पर हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए आज़िम सफर है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हाजिरी के लिए आज हमारा ये पूरा काफिला जा रहा है। ये माशाल्लाह हमारा इस्तान और इराक के नाम से मशहूर बम्बई का टूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खिदमत के लिए हमारे जनाब आमिर भाई को चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम सफ़र के दौरान हैं और यहाँ एक मुल्तानी होटल है पाकिस्तानी। इस वक्त हमारे आमिर भाई की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम हाजी साहिबान को दावत पेश की गई है और खाना था अल्हम्दुलिल्लाह होटल वालों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। अल्लाह ताला उन लोगों को भी बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे आमिर भाई और इनकी पूरी टीम को बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني, أدام الله عليكم النعمة وأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وسلم عليكم الملائكة। अगर हमें कोई दावत खिलाए तो उसको ये दुआ देनी चाहिए। तो माशाल्लाह आमिर भाई बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे साथी जो है आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, खाना खाकर बहुत एक्साइटेड हैं और माशाल्लाह ये जनाब जो है इंदौर से अख्तर भाई की दो लाख गुड़ियाँ, आपको आज का खाना कैसा लगा, आपका अच्छा कैसा लगा, थोड़ा जोर से बोले तो आवाज जाए। बहुत अच्छा खाना और पूरा टूर अच्छा रहा, आमिर भाई का पूरी फैसिलिटी एकदम बढ़िया रही और अल्लाह इनको जजा करता है, इनको हमेशा अच्छा रखे और खुश रखे। और हमारे ये रहमान भाई के रांची से, ये रहमान भाई आप भी आज बहुत अच्छा रहा, आने भाई की नमाज अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा और आज का खाना अल्लाह से हाजी खुश रखा करते अलहमदिल्ला। हमारी कहानी का टूर है एक नंबर है, बाकी में हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, हम लोग बहुत अच्छे से रहे और पूरे सफर के दौरान हमारा बहुत ध्यान रखा है, पूरी फैमिली ने ध्यान रखा है। उस्मान भाई, उनके दामाद आमिर भाई, उनके भाई, उनके बेटे, सब लोग हमारे साथ बहुत ध्यान रखे, उनकी बेटी बम्बई में उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। अलहमदिल्ला पूरे सफर के दौरान हमारी बहुत खिदमत कर रही है, बहुत अच्छा लगता है, खाना अच्छा खिलाया है, उनके अंदर जो अल्लाह इनके टूर को चार चांद लगाए और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में नंबर वन इनका टूर बनाए। तुम्हारा क्या नाम है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा आपका हज का सफर कैसा लगा? अच्छा रहा इंशाल्लाह। चाचा आप कुछ बोलिए, आपका हज का सफर कैसा रहा, खाना कैसा लगा आपको? साथियों ने, आमिर भाई ने आपकी खिदमत की के नहीं बराबर, और हमारे वो साथी क्या नाम है, आदिल भाई ने कैसी खिदमत की आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा। सईद भाई आप भी कुछ बताइए, जजाकअल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया, अल्लाह आमीन आमीन।
ये माशाल्लाह इरफान भाई है, ये आमिर भाई के दामाद है माशाल्लाह, दोनों मिलकर ये बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और माशाल्लाह इरफान भाई आप लोगों को साथियों ने बहुत ज़बरदस्त दुआ दी है। अभी इतना है कि वो अपने को ये मिली है कि अल्लाह को अल्लाह ताला इंडिया का नंबर वन फूड बनाना, आमीन आमीन, और अल्लाह इनकी उम्मीदों पर ऐसा खरा होता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें खिदमत से होती है, खिदमत से अल्लाह मिलता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं दूसरी बार मम्मी भाई के साथ एक्सपे आया हूँ, पहले 2022 में आया था और इस बार 2024 में गया अपनी मम्मी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर भाई जब होते हैं तो हर परेशानी में भी ये लोग इतनी फैसिलिटी अरेंज कर देते हैं कि इंसान जो है कमी निकाल ही नहीं सकता, हर तरह से कंपनसेट कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टूर रहा, हर चीज की सहूलत रही, स्पोर्टर्स बहुत अच्छे थे। आपकी वालिदा साथ में थे तो उसमें भी आपको राहत रही? अगर किसी को बड़ी उम्र के लोगों को लेकर आना हो तो कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुछ चीजें जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जो अमीर भाई के हाथ में चीज उसके ऊपर वो पूरा ध्यान रखते हैं और हर चीज अरेंज करते हैं। अगर मेरी मम्मी व्हीलचेयर पे थी तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हीलचेयर को लाना ले जाना, बस में अरेंज करना, मीना में ले जाना, हर चीज की सहूलत थी। सफदर भाई बम्बई से और इनके भाईजान असद भाई भी आए हैं, चार लोगों की फैमिली है माशाल्लाह। सफदर भाई आप भी कुछ दो बात बताएंगे, आपका सफर कैसा गुजरा? और माशाल्लाह इनकी वालिदा इस वक्त तकलीफ में भी थी, लेकिन बूढ़ों को अल्लाह ताला बड़ी उम्र वालों को, उम्र के एतबार से अगरचे बड़े हैं लेकिन उनकी हिम्मतें जवान होती हैं, वो हम जवानों से भी ज़्यादा अच्छी इबादत करते हैं, हमें उनकी इबादतों पर रश्क है, उनकी इबादतों को सलाम है। तो सफदर भाई बताइएगा कि आपका ये सफर कैसा रहा, वालिदा का सफर कैसा रहा, जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा हज था, हमारे वालिदा साहब का तीसरा हज था। कुछ इंतजामिया जो हुकूमत के हाथ में थे जिसमें आमिर भाई कुछ नहीं, उसमें भी आमिर भाई में सब लगातार खड़े रहे और सहूलत के एतबार से जहाँ तक कोशिश कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी है। और रिहाइश के एतबार से भी उन्होंने शिफ्टिंग के पहले भी बहुत अच्छी जगह पर रिहाइश कराई और शिफ्टिंग के बाद तो बेहतरीन रिहाइश थी हमारी अरब के अंदर ही, सारे एतबार से आमिर भाई हर जगह खड़े थे। हमारी अम्मी के लिए जहाँ तक सहूलतें करी जा सकती थी उन्होंने कही, यहाँ तक कि मीना में हमको एक बेड की ज़रूरत थी जहाँ पे मुमकिन नहीं था, उसके लिए इरफान भाई खास तौर पे मीना में जाके बेड की परमिशन लेके क्या डायमेंशन का होना चाहिए वो सारी फैसिलिटीज के बारे में जानकर आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब एक हाजी किसी सहीफों के साथ ट्रैवल करता है। ये माशाल्लाह इमरान भाई थे जो हमारे जनाब आमिर भाई के लड़के हैं, इन्होंने भी हर यानी खुफिया तौर पर ये खिदमत करते हैं, ज़्यादा शो नहीं मार रहे कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे चचा एक बार बीमार हो गए तो रात में पता चला कि उनको हॉस्पिटल ले गए, रात पूरी रात जो है उनके साथ रहे, यानी ये नहीं कि बस जो एक प्रोफेशनल खिदमत होती है वो नहीं, दिल की खिदमत जो हाजी की खिदमत सही माना में इस पर सवाब मिलता है वो वाली खिदमत इन्होंने अंजाम दी है। अल्लाह इसको नसीब फरमाए और इस खिदमत को और तरक्की के बारे में आइए कैसे जनाब माशाल्लाह हरियाणा से सैयद नूरुद्दीन साहब चिश्ती कादरी कादरी, आप बताएंगे कि आपको इलाके में कैसा लगा, आपका ये सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर रहा, आमिर भाई ने पूरे एक फैमिली की तरह हर चीज़ का ख्याल रखा, खासतौर पर इरफान भाई जहाँ व्हील चेयर वाले थे उनके साथ पूरी मशक्क़त के साथ जुड़े रहे, किसी भी तरीके से किसी भी हाजी को कहीं भी अकेला तनहा नहीं छोड़ा, जितना मुमकिन उन लोगों से होता था उससे भी बढ़कर उन लोगों ने हाजियों का ख्याल रखा, किसी भी तरीके की हाजी को तकलीफ नहीं आने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हज का जरिया बना, इसी तरीके से कसीर तादाद में मुसलमानों के हज का जरिया बनाने की तौफीक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके के आराम की उन्होंने ख्याल रखा, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। इससे पहले हमारे लव टूर में इनके भाई आए थे आदिल, तो माशाल्लाह ये टूर की कामयाबी की अलामत होती है कि एक फैमिली के मेंबर आवे और अगले साल वो अपने रिलेटिव को भेजे या वही आदमी सेकंड बार आए। देखो जैसे हमारे मुनीर भाई थे वो दूसरी बार आए, इस वक्त वो रिकॉर्ड करने की खिदमत भी अंजाम दे रहे, तो ये दूसरी बार आए या एक ही खानदान का बंदा दूसरी बार आना ये कामयाबी की अलामत होती है, वरना अगर कोई कमजोरी होती है कोई खराबी होती है तो आदमी कान पकड़ लेता है कि आज के बाद इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी इस खिदमत की और आमिर भाई की इस खिदमत की कामयाबी की ये सबसे बड़ी दलील है कि एक मरतबा आने वाला बंदा अपने रिलेटिव को दूसरी मरतबा जरूर भेजता है। तो शकील भाई आप बताइएगा आपका ये सफर कैसा रहा?
भाई मेरा पहला हज था, तो मैं करने पहले भी बहुत खबर था भाई मेरे लोगों के कितने क्या होगा, लेकिन आमिर भाई इरफान भाई और ये मेरा भाई बड़ा यूपी ने तब हिम्मत की है रखना कि अब तक बन जाता है कि बहुत अच्छा टूर लगा, बहुत अच्छा टूर लगा और कोई भी मतलब कह नहीं रहा यानी हर एक का खिदमत बहुत अच्छी है। ये खास बात हर एक की बोलनी है कि किसी को गैरियत नहीं लगी कि हम दूसरों में एक फैमिली के साथ मिलकर जैसे खिदमत एक दूसरे की होती है माशाल्लाह इस तरह उन लोगों ने की है, बहुत शुक्रिया। ऐसा लगा जैसे अपनी पूरी फैमिली साथ में है, जो घबरा तो घबरा खत्म हो गई, मुझे पता है की मेहरबानी अल्लाह ताला इन्हें बहुत तरक्की दे। आइए मजहर भाई, माशाल्लाह हमारे मजहर भाई और बहुत ही मिलनसार हंसमुख खुश मिजाज, तो आप बताइए आपका ये सफर कैसा रहा और सामीन और नाजरीन को खुश कर दिया। देखिए मैं मजहर आसिफ भदोही से, एक छोटा सा कस्बा है बनारस के पास, मुझे किसी ने उन्होंने कोई सिफारिश नहीं, मैं उन्हें बस नेट पे ऑन किया और मुझे इंफॉर्मेशन मिली और मैं आँख बंद करके इलाफ टूर्स के नाम से जो है बुकिंग कर दी अल्लाह के नाम पर, मैंने कहा अल्लाह ताला मदद करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल एक फैमिली जैसा माहौल मिला, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के, जो वादे किए गए थे उससे बढ़ के फैसिलिटीज दी गई। अल्लाह का करम है कि जो हज के दौरान जो हुआ वो तो अल्लाह ताला की तरफ से, बाकी जहाँ भी कहीं भी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं वो हमें इरफान भाई है, आमिर भाई हैं, इमरान साहब हैं, सब ने जो है ना हर जगह मदद की, हर एक पॉइंट के ऊपर हमें ले जाया गया, कहीं की तकलीफ भी हुई तो उसको हम लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, लेकिन उसके कम्पनसेशन में हम लोग और जगह हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया है, बिल्कुल पूरी एक फैमिली बन गई है। हम तो ये कहेंगे कि आइंदा भी जो ना जो लोग इसको सुन रहे हैं वो इलाफ टूर को जो है ना वो कॉन्टेक्ट करें, इंशाअल्लाह रहमान उनको कभी भी जो है ना कोई तकलीफ नहीं होगी और कामयाबी मिलेगी। जज़ाकअल्लाह खैर। माशाल्लाह हमारे रियाज भाई हैं यूएस से और बहुत ही माशाल्लाह मिलनसार और बहुत ही अखलाक वाले हैं, इनसे मिलकर सब साथी बहुत खुश होते हैं। रियाज भाई आप भी अपने बारे में बताइए, आपका ये जर्नी कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप रही हमारी। आमिर भाई के साथ मैं एक साल से टच में था, उन्होंने सारे प्रोसेस में इतनी आसानी से पूरी प्रोसेस करी है, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि ये प्रोसेस कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज की ट्रिप में आने के बाद भी हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कोई तकलीफ हुई है, जो इनके हाथ में था उससे ज़्यादा ही इन्होंने किया है हमारे लिए। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के हाथ में जो था वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी जो तकलीफ़ात हमें पेश आई उसमें भी जितनी हो सके उन्होंने हमारी मदद करी है, बल्कि ज़्यादा ही करी है। और जैसे सबलम ने कहा एक फैमिली की तरह है वो महसूस हो रही है हमें, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चल के अल्लाह इनको जजा दे, स्टार टूर एलाफ टूर नंबर वन टूर बन जाए और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों से। माशाल्लाह हमारे इनाम भाई कोकन से हैं और इमदाद भाई माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ आए हैं, अम्मी अब्बा को लेकर आए हैं और जहाँ तक हो सका माशाल्लाह सात लोगों की फैमिली है। ये हैं हमारे छोटे हाजी, छोटे हमारे सबसे छोटे हाजी, लबैक भी बहुत अच्छा सुनाते हैं माशाल्लाह। तो आपका यह जर्नी कैसा रहा थोड़ा बताइए। मैंने ना दुनिया पूरी घूमी है, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं हर जगह पे घूमा। वो कैसे घूमे वो भी थोड़ा बता दो। आपको कैप्टन साहब बोलते हैं हमारी टीम के, ये भी एक कैप्टन है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरा हज हो जाएगा इस साल। आमिर भाई की बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि मेरे पासपोर्ट फैमिली मेम्बर के लिए भी नहीं, फिर भी बुकिंग लेके सब लास्ट मोमेंट में लेके, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को हज के लिए क्या है। और इसकी जो सर्विस थी जो मैंने कल देखा, कल मेरी जब इमरजेंसी आई माँ की, तब उन्होंने जब इमरजेंसी सर्विस दिया मेरे को, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये हमारे पास भाई हैं और ये अपनी अम्मी अब्बा को लेकर आए हैं। ये जर्नी कैसी रही? माशाल्लाह एक्चुअली मैं जो ये जर्नी में आया मेरा अंकल के थ्रू आया, तो मुझे आमिर भाई का कोई अपना मालूम नहीं था। माशाल्लाह मैं इतना खुश हूँ, तो स्पेशली जो मेरे माँ के लिए जो वो सब लोग इधर इतना हेल्प किया है वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जैसा कल आपने सबके लिए अपनी ಅಮ್ಮಾ ಈ ಹಜ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ಬಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಹಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ये हमारे मस्तान भाई है, ये भी इंदौर वाली फैमिली के साथ है। माशाल्लाह आपको कैसा लगा ये सफर? माशाल्लाह एक नंबर लगा। अच्छा, वीडियो आपने बनाया बराबर। माशाल्लाह ये इंस्टाग्राम और बहुत कुछ चलाते हैं, यूट्यूबर भी है और बहुत कुछ है। इनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनकी बीमारी में इनको शिफा दे और जिंदगी में बहुत आगे पहुँचाए। तो नाज़रीन, ये हमारे तमाम साथियों ने जो हमारा फीडबैक और तबसरा पेश किया, कॉमेंट किया, हम इन सब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और आमिर भाई, इरफान भाई, इमरान भाई, इनके घर वाले, जिन जिन लोगों ने, पूरी टीम ने जो भी खिदमत की है, हम दिल से इनकी खिदमत का के शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको और तरक्कियात के बामे उरूज पर पहुंचाए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हमें या किसी को भी हाजी की जब खिदमत करना हो तो एक बात सबसे पहले ये जहन में रखनी चाहिए, हदीस शरीफ में आता है कि हाजी अल्लाह का मेहमान है। अगर किसी बड़े के मेहमान की खिदमत करते हैं तो जो होस्ट कर रहा है, जो मेज़बान होता है, वो खुश हो जाता है कि आप मेरे मेज़बान, मेरे मेहमान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और अल्लाह जिससे खुश होगा अल्लाह उसको ज़रूर तरक्की देगा। तो हाजी की खिदमत हमेशा इसी नीयत से करना चाहिए कि हाजी अल्लाह का मेहमान है। और हमारी इस टीम के एक साहब है फैयाज़ भाई। फैयाज़ भाई तशरीफ़ लाइए। आपका ये सफ़र कैसा रहा? और फैयाज़ भाई बीमार भी थे लेकिन फिर भी इन्होंने सफ़र का इरादा किया, आप भी अपना कुछ तबसरा बताइए। मैं 2018 में आया था यहाँ पे आमिर भाई के साथ में। जब रिटर्न आता है इंसान, तो वही रिटर्न आता है तो ही समझ में आता है कि इंसान क्यों आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंतज़ाम है, जो मैनेजमेंट है, इमरान है, इरफान है, आमिर भाई है और हमारे मुफ्ती साहब है, जो सालों साल आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो स्मूथ ऑपरेशन होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि एक अपनापन होता है हर चीज़ के अंदर। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, टीम लीडर से नहीं होती है, टीम पूरी टीम होती है। यहाँ पर सभी हाजियों का भी मैं कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनको भी तकलीफ़ आई है जो आती है, लेकिन उन्होंने उसको कभी ये नहीं कहा कि तकलीफ है, ठीक है, और ये हमारे साथ में सब फैमिली की तरह रहे। मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 का स्टार और इलाफ टूर का हाजियों का ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप एवर होगा कहीं पर भी, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली चाहिए। और ये एक मिसाल होना चाहिए, ये एक लेसन होना चाहिए दूसरे हाजियों के लिए हर साल के लिए, कि टूर में आओ तो ऐसे आओ कि फैमिली की तरह आओ, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की तकलीफ में भी, खुशियों में भी और हर चीज़ के अंदर। और वैसे उसका ऑफकोर्स क्रेडिट जाना चाहिए आमिर भाई, इरफान, इमरान और मुफ्ती साहब को, जो ये टूर उतने बखूबी तरीके से स्मूथ ऑपरेशनली चला रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, दुआ की खास दरख्वास्त है, दुआ की खास दरख्वास्त है हमारे पूरे टूर के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे आगे के सफ़र को भी आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।